नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा और आज आपसे मुखातिब हूँ। लॉकडाउन का 26वां दिन और देश कोरोना संकट से गुजर रहा है और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो 26 दिन है ये मात्र महज 26 दिन नहीं है, बल्कि हमें इन 26 दिनों को एक सिक्के के दो पहलू के रूप में महसूस करना चाहिए। जी हाँ, महसूस इसलिए करना चाहिए कि इन 26 दिनों में हमने जो अपने इर्द गिर्द प्रकृति में परिवर्तन देखे हैं, शायद यदि वो लॉकडाउन ना हो पाता तो मुझे लगता है वो परिवर्तन देख पाना संभव नहीं था। चाहे वो इन 26 दिनों के दौरान अचानक से मधुमक्खियों के छत्ते बनने की बात हो, जी हाँ हमारे यहाँ जो सड़क है वो सड़क जो है उसके बीचों बीच जो पेड़ लगे हैं उन पेड़ों की पत्तियाँ हमेशा प्रदूषण से, कार्बन से, धुएँ से लबरेज रहा करती थी, लेकिन आज कमोबेश हालत कुछ ऐसी है कि वो पत्तियां चमक रही हैं। उन पत्तियों की चमक देखते ही बनती है। और इतना ही नहीं, मैंने देखा वहाँ अचानक से 3-4 मधुमक्खियों के छत्ते भी बन रहे हैं और मधुमक्खियाँ उसमें अपना घर बना रही हैं। तो मधुमक्खियों का छत्ते बनाना का अर्थ ये होता है कि जब मधुमक्खियाँ छत्ते बनाती हैं तो आपका एक अच्छा एग्रीकल्चर की एक पहचान होती है, यानी आपकी जो फसलें हैं वो अच्छी होंगी, क्योंकि जो मधुमक्खियां हैं वो पॉलिनेशन में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करती हैं। वो मधुमक्खियां जो कि शहरों से बिल्कुल प्रदूषण के चलते विलुप्त हो चुकी थी, उनके छत्ते बनने का अर्थ है कि आपको अच्छा एग्रीकल्चर होगा, अच्छी फसलें होंगी आपकी। और इतना ही नहीं, वो तितलियाँ, ऐसी ऐसी प्रजातियाँ तितलियों की जो कि शायद आप कभी फूलों की घाटी में उत्तराखंड में जाएं तो वहाँ दिखती हैं, ऐसी जातियाँ दिखनी शुरू हो गई, प्रजातियाँ तितलियाँ दिखनी शुरू हो गई। और सुबह सुबह जो नींद एम्बुलेंस के सायरन से खुला करती थी, आज वो नींद जो है चिड़ियों की चहचहाट से खुलने लगी। और तमाम वो प्रजातियाँ चिड़ियों की जो विलुप्त हो चुकी थी, जो नज़र ही नहीं आया करती थी, जाने कहाँ से वो वापस लौट आई। तो कहीं खबर मिली कि साहब हरिद्वार के राजा जी नेशनल पार्क में हाथी जो हैं वो जंगलों से बाहर आ गए और एक खोजने लगे, खोजते खोजते हर की पौड़ी पर आ गए कि आखिर वो कहाँ गई वो दुनिया जो आपाधापी से भरी थी, जो शोरोगुल से भरी थी, जो हो हल्ला से भरी हुई दुनिया थी, वो कहाँ गई। और कहीं सुनाई दिया साहब कि वैष्णो देवी माता, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में लेपर्ड का निकल आना, तो कहीं नेपाल में गेंडा सड़कों का इंस्पेक्शन करने लगा कि लॉकडाउन का अनुसरण हो रहा है कि नहीं, तो कहीं चंडीगढ़ हाई कोर्ट के बाहर सड़क पर हिरनों के झुंड, नील गाय का निकल आना, तो कहीं सड़कों पर नाचते हुए मोर। तो ये तमाम जो है प्रकृति हमें एक संकेत दिए हैं प्रकृति ने कि अगर आप हमें जीने का अवसर दोगे तो हम आपको एक सुखद जीवन देंगे, एक अच्छा वातावरण देंगे। तो मुझे लगता है जो लॉकडाउन है, इस लॉकडाउन को हमें एक सिक्के के दूसरे पहलू के रूप में भी लेना चाहिए। अगर हम इससे कुछ शिक्षा ले सकें, इससे कुछ हम सबक ले सकें, तो मुझे लगता है हमारा आने वाला कल सुनहरा हो सकता है। हमारे बच्चों को एक ऐसा वातावरण मिल सकता है जिसमें कम से कम वो एक चैन की सांस तो ले सकें, एक प्रदूषण मुक्त सांस तो ले सकें। इतना ही नहीं, मैंने देखा कि लगभग 20 अप्रैल में इस समय भयंकर गर्मी हो जाया करती थी और प्रदूषण का स्तर भी बढ़ जाता था, लेकिन आज हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कि 50 जो है नॉर्मल माना जाता है, वो गाहे बगाहे 50 से भी नीचे आ गया, यानी कि वातावरण इतना स्वच्छ और शुद्ध हो गया कि स्विट्ज़रलैंड की हवा जैसी हवा हो गई यहाँ पर। और यहाँ का मौसम भी बदल चला है, दिल्ली की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सुबह शाम जो है मीठा मौसम बना हुआ है, तो कहीं बदली बन जाती है, और आसमान के तो क्या कहने, आसमान तो जो धुएं से काला रहता था आज वो नीला आसमान नज़र आना शुरू हो गया और बादल एकदम सफ़ेद दूधिया कलर के। और वहीं सुनाई दिया कहीं बनारस के घाटों पर गंगा जो है का जो जल स्तर है वो बहुत अच्छा हो गया, बहुत ही शुद्ध हो गई गंगा। लगभग 50% गंगा का प्रदूषण स्वतः ही एक नेचुरल सिस्टम होता है, उसके तहत जो है वो गंगा अपने आप ही उसका नेचुरल सिस्टम के तहत जो है वो स्वच्छ हो गई है। और गंगा के घाटों पर बनी सीढ़ियों तक मछलियाँ
ऑक्सीजन लेने के लिए दिखाई देने लगी हैं। तो ये तमाम तरह के संकेत हैं जो प्रकृति हमें दे रही है, और मेरा ऐसा मानना है यदि ये शायद ऊपर वाला जो भी करता है हमें कोई ना कोई सबक देने के लिए करता है, और शायद उसने यही हमें एक संकेत दिया है प्रकृति ने, कि जैसे किसी कवि ने कहा कि इस विचार को बहुजन ने बहुत सताया, कैसी होगी अजल अमर मानव की काया। तो ये हमें संकेत मिला है प्रकृति की ओर से कि अब भी समय है हम संभल जाएं, कुछ उसके बारे में भी सोचें जो हमें जीवन की संभावनाएं प्रदान करती है। आप देखिए हमारे देश में कितने ही तमाम मंदिर हैं, लेकिन एक धरती माता का मंदिर नहीं दिखाई देता, वो धरती जो हमें जीवन की सारी संभावनाएं देती है ज़िंदगी जीने की। हालांकि यहाँ मेरा मंदिर से मतलब ये नहीं कि मंदिर होने से कोई धरती माता का संरक्षण होगा, हमारी प्राथमिकता जो है वो प्रकृति का संरक्षण होना चाहिए, धरती माता का संरक्षण होना चाहिए, वरना ये सब कुछ व्यर्थ है। आज हम देख रहे हैं लोगों की लाखों रुपए की कारें सड़कों पर पड़ी हुई हैं और किसी बेजान जीव की तरह, जो उनके अंदर उनकी कोई औचित्य नहीं है, और आज जो है हम अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए किस तरह से जद्दोजहद कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि यदि हम इस कोरोना काल को एक प्रकृति का संकेत के रूप में ग्रहण करें, और आज नहीं कल कुछ दिनों के बाद जो है ये कोरोना संकट भी टल जाएगा और फिर से वही शुरुआत हो जाएगी, फिर से वही जीवन की आपाधापी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों हमें बस ये ध्यान रखना है कि इस कोरोना काल के बाद हमारा परम दायित्व है कि हम व्यक्तिगत स्तर पर, ना तो हम किसी सरकार का मुंह देखें, ना ही हम किसी संस्था का, और ना ही हम अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालें कि ये मेरी ड्यूटी नहीं है। हमें व्यक्तिगत स्तर पर प्रकृति के लिए सोचना है, हमारे जीवों के लिए सोचना है। और हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि जितने भी संकट आ रहे हैं विश्व के अंदर, इसके पीछे कहीं ना कहीं उन बेजान जानवरों की आहें भी हैं जो करोड़ों की संख्या में रोज़ाना काटे जाते हैं, मारे जाते हैं, उनका जो क्रंदन है, उनकी जो आहें हैं, जब वो उनको काटा जाता है, उनको उनकी हत्या की जाती है, तो उनका क्रंदन कहीं शांत नहीं होता। उनकी जो आहें हैं, उनका जो दुख दर्द है, वो इस ब्रह्मांड में, तमाम ब्रह्मांड में गूंजता रहता है, गूंजायमान रहता है, और यही वो आहें हैं जो कि हमारे वातावरण में नेगेटिविटी पैदा करती हैं, नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं, और उसके चलते ही इस तरह के संकट विश्व को झेलने पड़ते हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना है, हम शाकाहार की ओर बढ़ें और बेजान और निरीह जानवरों की हत्या ना करें, उनके प्रति संवेदना जताएं, संवेदनशील रहें। और महात्मा गांधी जी ने भी एक बार कहा था, द ग्रेटनेस ऑफ ए नेशन एंड इट्स मॉरल प्रोग्रेस इज जस्ट बाय द वे इट्स एनिमल्स आर ट्रीटेड। किसी भी देश की जो है चरित्र या उस देश की तरक्की का पैमाना ये होता है कि उस देश के जानवरों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। यानी कि यदि किसी राष्ट्र में जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार होगा, तो वहाँ के नागरिकों के साथ अच्छा व्यवहार होना स्वाभाविक है। तो इस संदेश के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, फिर हाजिर होऊंगा किसी नए संदेश के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।